नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 21 जुलाई के दिन जो है गुरु पूर्णिमा उत्सव है, तो दोस्तों उसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी हो गए हैं कि हमें 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम आयोजित करना है, 20 जुलाई को भी और 21 जुलाई को भी। ठीक है, कल और परसों दोनों दिन विशेष उत्सव आयोजित करना है। तो क्या क्या उत्सव में हमें कार्य करने हैं और बहुत ही अच्छे से जो है गुरु पूर्णिमा उत्सव को सेलिब्रेट करना है, तो वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाई स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सीधे आपको आदेश पर ही लिए चलता हूँ। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा आदेश निकाला जा चुका है, क्रमांक 1159 आप देख सकते हैं। भोपाल दिनांक 16/7/2024 16 जुलाई 2024 को ही निकल चुका है। प्रति आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल, संचालक राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल, समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य शिक्षा महाविद्यालय मध्य प्रदेश, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश, समस्त जिला सहायक आयुक्त संयोजक जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश, समस्त प्राचार्य डाइट मध्य प्रदेश, समस्त जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश। विषय महत्वपूर्ण यही है, दिनांक 21 जुलाई 2024 गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश के विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित करने बाबत। मतलब इस बार दोस्तों जो है सभी प्रदेश के विद्यालय जो भी हैं वो गवर्नमेंट हैं या प्राइवेट, सभी में 21 जुलाई 2024 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है प्रदेश के सभी विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो उसके संबंध में है, तो किस तरह से आयोजित करना है ये देख लीजिए। मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 1 जुलाई 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में राज्य शासन नेता द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय अशासकीय, देख यहाँ दोनों लिखा है, शासकीय और अशासकीय मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों, शासकीय और अशासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यालयों में दिनांक 20 एवं 21 जुलाई 2024 को निम्नानुसार 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। ठीक है, तो 20 जुलाई से कल है तो कल से ही कार्यक्रम जो है आयोजित किए जाने लगेंगे। तो 20 और 21 जुलाई दो दिन जो है कार्यक्रम होंगे, भले ही 20 को शनिवार है और 21 को रविवार है, लेकिन दोनों दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यहाँ सरल क्रमांक दिया हुआ 1-2, तो हम दोनों देखते हैं दिनांक 20/7/2024 को क्या होगा। तो विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा उत्सव में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम, तो 20 जुलाई 2024 को जो कार्यक्रम होगा वो होगा प्रार्थना सभा के पश्चात प्रार्थना स्थल पर शिक्षकों द्वारा गुरु पूर्णिमा के महत्व एवं पारंपरिक गुरु शिष्य संस्कृति पर प्रकाश। ठीक है, इसके बारे में समझाया जाएगा। फिर प्राचीन काल में प्रचलित गुरुकुल व्यवस्था एवं उसका भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पर निबंध लेखन होगा। इससे भी जो है प्रत्येक विद्यार्थी को पूरी जानकारी प्राप्त होगी, तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। फिर 21/7/2024 को क्या होगा, विद्यालयों में वीणा वादिनी माँ सरस्वती वंदना, गुरु वंदना एवं दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण, गुरुजनों एवं शिक्षकों का सम्मान, शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा गुरु संस्मरण पर संभाषण भाषण भी होगा। विद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले गुरु पूर्णिमा उत्सव कार्यक्रम में दिनांक 21 जुलाई 2024 को यथासंभव साधु संतों, गुरुजनों, शिक्षकों, सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं पूर्व छात्रों, आमजनों को भी आमंत्रित किया जाए तथा उपरोक्तानुसार 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न किए जाए। प्रमोद सिंह जी, उप सचिव महोदय, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ये जो है आदेश निकाला जा चुका है और प्रतिलिपि भी दी जा चुकी। तो बहुत ही अच्छा प्रयास और अच्छा जो है नवाचार है दोस्तों कि 20 और 21 तारीख को 2 दिन जो है गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाया जाएगा। और पूरा मैंने आपको बताया भी क्या क्या कार्यक्रम हमें करना और अच्छे से हम करें, जिससे कि हमें एक पुराने ज़माने का भी जो परंपरा थी, गुरुकुल व्यवस्था, सब चीज़ें पता रहे और सभी गुरुजनों, शिक्षकों का सम्मान भी हो, माँ सरस्वती की वंदना भी हो, गुरु वंदना हो, दीप प्रज्वलन हो, माल्यार्पण हो, सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से हम सेलिब्रेट करें। तो चलिए दोस्तों, सभी को अभी से बधाई और इन्हीं बधाइयों के साथ आप मेरे साथ बने जरूर रहिए। आपको पता ही है मेरी YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।